नमस्कार दोस्तों इनकी उम्र फिफ्टी एट ईयर्स प्लस सेवन मंथ की हो चुकी है और इनके दो कंसल्ट हैं और ये फॉरेन में रह रहे इनके दो कंसल्ट हैं एक तो बिजनेस जो एनालिसिस में पता चल जाएगा और दूसरा कंसल्ट है हेल्थ का तो हेल्थ मैं फ्लो में कहीं है? आगे बढ़ते रह जाऊँ इसके लिए मैं ये पहले हेल्थ का सब्जेक्ट ले लेता हूं क्योंकि मुझे माइनस पॉइंट इनके हाथ में दिखा ये मैंने जो एज निकाली वो हिसाब से ये राहु रेखा इनकी फिफ्टी एट के आसपास अभी वर्तमान में चल रही है और इसके पहले ही देखिए एक ये पूरा फैल गई है या इसे सूजन गई है तो भी चले यानी ये प्रेजेंटली हेल्थ इश्यू फेस कर ही रहे और उसके पहले भी ऐसी कोई दमदार यहाँ से ये रेखा ज़्यादा बिगड़ी उसके पहले थोड़ी सी कमज़ोर थी पर ये लगभग चार साल से ये फेस कर रहे होंगे इश्यू और अब ये बढ़ गया होगा और ये राहु रेखा पूरी होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स इनको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा नहीं ट्वेंटी फाइव से थर्टी परसेंट इनको रिलैक्स मिलेगा इनके हेल्थ के इश्यू में और ये पीरियड रहेगा इनका दो से दो साल ये राहु रेखा पूरी होने के बाद दो साल थर्टी परसेंट रिलैक्स मिलेगा इनको उसके बाद बीच में काफ़ी अच्छा हो जाएगा एक दो साल और फिर वापस तीन चार साल थोड़ी सी हेल्थ कमजोर रहेगी और ये जो राहु रेखा है यानी ये राहु रेखा होगी इनकी उस पीरियड में ये लगभग चौंसठ पैंसठ के आसपास यहाँ से इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी बन जाएगी फिर इनको हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं देगा पर एक खुशी की बात है अभी ये जो फेस कर रहे हैं उसमें रिलैक्सेशन होता हुआ दिखेगा फिर यहाँ पर थर्टी परसेंट तक की स्थिति रहेगी बीच बीच में कहीं थोड़ा सा छः महीने आगे पीछे चलेगा और उसके बाद फोर्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट रिलैक्स होता हुआ दिखेगा और यहाँ से सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव के आसपास से कंप्लीट रिलैक्स दिखेगा इनको ये कैसी एक माया है रियल में बुढ़ापे में तबीयत ख़राब होती है इनकी जैसे उम्र बढ़ेगी सिक्सटी फ़ोर सिक्सटी फाइव के आसपास ये ज़्यादा हेल्थी बनेंगे तो मैंने ये हेल्थ इश्यू ले लिया है और इनको अब हम नॉर्मल एनालिसिस करते हैं ये हाथ में इन्होंने काफी संघर्ष किया होगा काफी संघर्ष जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है ये पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते दो दिन भी अगर पैसा ना आए तो इनको लगता है जीवन पूरा हो गया इस तरह की मानसिकता होती है और बैठा काम भी मेहनत से करते फर्स्ट चैलेंज है बड़ा तो काम के प्रति इच्छा शक्ति भरपूर रहती है पर नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज किया जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे और अंगूठा पैडिंग वाला है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है उंगलियां छोटी है हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते और मैंने जो हेल्थ का इश्यू बताया तो मैं कई लोगों को सलाह देता हूं कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज चालू करें जिम ज्वाइंट करें तो रिलैक्स होता है पर अगर बीमारी आ जाए तो कई बार व्यक्ति नहीं भी कर पाता पर जहाँ मोटी या सूजन भरी दिखी तो मैं पहले ही आगा कर देता हूँ तो व्यक्ति को काफ़ी रिलैक्स होता है और ये कम से कम पंद्रह लोगों को मैं सलाह दे चुका हूँ और पंद्रह से पंद्रह लोगों को रिलैक्स मिला है चाहे आप योग करो चाहे एक्सरसाइज करो जिम ज्वाइंट करो आउटडोर एक्सरसाइज करो इनडोर करो पर कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है पर एनर्जी के साथ करनी पड़ती है शरीर साथ नहीं देता पर रिलैक्स होता है होता और होता है उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते ये लोग और लगभग जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बड़ी है ये ईगो प्रॉब्लम देती है व्यक्ति को और ये एक तरह का रोग है इसे रोग समझकर चलिए जब भी ये इस तरह का इश्यू आए तो उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए व्यक्तिगत तौर पर यह ज़्यादा परेशानी में डालता है छोटी उंगली फर्स्ट एलैन तक नहीं पहुँचे तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना याद शक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है पर इनके हाथ में आई थिंक मनी ट्रैंगल है तो मनी मैनेजमेंट में ये कमज़ोर नहीं होंगे बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर होंगे और ये अंगूठी की वजह से साइड में जा रही है बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है व्यक्ति को सुंदरता देती है वाणी अच्छी होती है बिजनेस साइंस भी अच्छा पाया जाता है मध्यम सुंदरता होगी मध्यम फल वाला बुध पर्वत है बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं मैं गिनूंगा इसको यहाँ पर एक यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश अच्छा मिलता है यानी फेम अब इनकी साइनों को देखते एक बढ़िया सी साइन यहां पर बनी हुई है ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पर फिर भी जीवन में संघर्ष रहा होगा एक यहां पर है इस साइन को बहुत ध्यान से देखना पड़े तब दिखेगी आपको छोटी सी यहां बनी हुई है दो छोटी सी यहां पर है शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता एक्टिव रहता आदमी और इनका जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है अगर बचपन में जोर से लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं आता और पारिवारिक समस्या है तो इनको सताती है ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा और अगर बचपन में सर पे जोर से नहीं होगा तो पति पत्नी के बीच में भी मुटाव मनमुटाव रहता है कंटिन्यू चलने वाली लाइन व्यक्ति को कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए नाम खराब नहीं होने देती स्क्वायर साइन। व्यक्ति बत्तीस के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और छत्तीस साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है एक लाइन दो लाइन और तीन लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करवाती है पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है सेवाभावी और धार्मिकता ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है आ, अच्छा है तो ये जो हेल्थ लाइन खराब थी इनकी जीवन रेखा जो खराब थी वो कही कहीं ना कहीं इससे रिलैक्स मिलता है अगर ये अंदरूनी मंगल खराब हो और उस तरह की अगर जीवन रेखा आप देख लो तो व्यक्ति घर में पड़ा रहता है पर ये मंगल अच्छा है इसके लिए इनमें शारीरिक ऊर्जा काफी उत्तम होती है भारी मंगल पर ये लाइन ये लाइन व्यक्ति को भाई की ओर से पिता की ओर से या जीजा की ओर से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है तो दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है और भारी मंगल अति उत्तम है जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है यहाँ पर हल्की रेखाओं से ट्रायंगल बना हुआ है ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है ये क्रॉस बना हुआ है ये व्यक्ति को हमेशा जीवन के प्रति डर पैदा करता है आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की डर की फीलिंग व्यक्ति को आती है और जीवन रेखा से एक शाखा चंद्र पर्वत पर जा रही है प्लस चंद्र पर्वत अति उत्तम तो ऐसे लोगों को विदेश सेटलमेंट के योग बनते और ये ऑलरेडी चले गए यानी विदेश में ही रह रहे हैं और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो बहुत अच्छे ये लोग परचेसर होते हैं अच्छे बार्गेनर होते प्लस अच्छी अच्छी सोच रखते ये लोग पानी अच्छा लगता है दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं शुक्र पर्वत एकदम व्यवस्थित शुक्र पर्वत है अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना ये सारे लक्षण ऐसे लोगों में पाए जाते हैं ये पार्ट जब नीचे की तरफ जाता है व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा रहता है पर इतना भी नीचे नहीं है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले होंगे जवानी में के समय में काफी गुस्सा रहा होगा पर बाद में धीरे धीरे ठंडा पड़ा होगा और शनि पर्वत से ही निकलती है तो पैसे की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है कामुक भावना और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना और ये लाइन व्यक्ति को चार लाभ देती है ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कार्य करते बड़े स्तर सरकार का करते सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक लाभ प्राप्त होता है और जिस तरह की हृदय रेखा है डबल हृदय रेखा है तो झंझटों भरा जीवन रहता है आपाधापी लगी रहती है पर्सनल जीवन इतना उत्तम नहीं जी पाती ये लोग और ये है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और ये फ्लट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंढता है अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन दो तीन टुकड़ों में चल रही है एक ऐसे भी चल रही है फिर यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये झुकते झुकते नीचे जा रही है और एक पैरल ये लाइन भी है तो ये जब झुकती है ऐसे तो लोगों को सपने बहुत आते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिकता बढ़ती जाती है इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होता है और बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं घर में किसी एक व्यक्ति को ज्यादा बोल बोल-बोल करते और जहां से ये झुक रही है ये लगभग एज होगी पचास के आसपास या बावन के आसपास यहां से इनकी धार्मिकता बढ़ गई होगी पर साथ में बैलेंस करने के लिए एक और लाइन ईश्वर ने इनको दे दी है तो कम से कम उस वस्तु से कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स देती है अब जीवन रेखा पर चले तो ये एक लाइन ने काटा है मैं दूसरे फोटोग्राफ का यूज करता हूँ लगभग मेरे हिसाब से मैंने एज निकाली थर्टी टू के आसपास ये काट रही है उसके बाद इस लाइन ने थर्टी सिक्स में मैरिज कराई उसके बाद छोटी छोटी राहु रेखाएं आई होगी इनके जीवन में एक थी लगभग तीन साल के बाद थर्टी सिक्स और तीन थर्टी नाइन उसके ढाई साल के बाद फोर्टी वन एंड हाफ़ और एक और राहु रेखा दो साल के बाद फोर्टी थ्री एंड हाफ़ उसके बाद भी राहु रेखा है दो साल के बाद फोर्टी फोर एंड फोर्टी फाइव एंड हाफ़ और ढाई साल फोर्टी सेवन एंड हाफ़ और ये तो राहु रेखा इस लाइन में चल रही है और एक और किस्सा मैं बताता हूँ ये यह यहाँ से ड्रॉप हुई ये ट्वेंटी नाइन से लेकर ये लगभग फोर्टी टू तक का पीरियड यहाँ पर अगर जीवन रेखा नहीं होगी अभी इस फोटोग्राफ पर चलते हैं तो काफ़ी कष्ट उठाता है व्यक्ति में जो एबिलिटी होती है वो मिलता ही नहीं हाँ जॉब वॉब करे तो चल जाता है पर पैसा उतना नहीं मिलता जो एबिलिटी रखता व्यक्ति उतना पैसा नहीं मिलता और ये 42 के आसपास यहाँ से लेकर ट्वेंटी नाइन में ये लगभग ड्रॉप हुई थी ये लाइन ट्वेंटी नाइन के आसपास से यहाँ तक इनके जीवन में भरपूर संघर्ष रहा होगा राहू रेखा है अपना काम करती है वो अलग यानी वो तकलीफ देती है वो अलग पर ये तकलीफ़ बहुत अलग टाइप की है ऐसे आजकल बहुत लोग आ रहे हैं पहले भी आए आए होंगे हो सकता है मुझे इसका नॉलेज नहीं था कि ये इतनी तकलीफ देती है अच्छा खासा संघर्ष कराती है व्यक्ति के पास जो एबिलिटी होती है उसका उसका बेनिफिट ही नहीं मिलता उसको और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करे तो सब डूब जाता है उसके बाद बहुत बड़ी राहु रेखाएं इनके जीवन में ये आई होगी लगभग फोर्टी नाइन के आसपास फिर फिफ्टी थ्री के आसपास एक ऑफ दिखाई दे रहा है इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ है और एक राहु रेखा भी है इसी पीरियड के आसपास फिर एक छोटी सी राहु रेखा फिफ्टी फाइव के आसपास है फिर ये वर्तमान में देखिए फिफ्टी एट के आसपास बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी वो एज होगी सिक्सटी और ये एक सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव के आसपास है और एक सिक्सटी सेवन एंड हाफ के आसपास नियर एंड डियर और ऑफ शूट भी है और इस तरह से फोर्क बनता है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भरपूर रहती है अभी वर्तमान में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है इनको पर ये ठंडे प्रदेश में रह रहे डेवलप कंट्री में रह रहे तो इसका असर बहुत कमजोर होता है अभी अपने ये राह रेखा में अगर ये अपने देश चले गए एशिया में आ गए तो बहुत तकलीफ उठाएंगे यानी अभी यात्रा मत करना आपके जंग स्थल पर यात्रा मत करना नहीं तो आप काफी तकलीफ उठाओगे ये पूरी होने के बाद करोगे चलेगा एक कट था ये एज ऑफ ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन के आसपास अब ये इन्वेस्टमेंट है या कट है पता नहीं चल रहा थर्टी सेवन के आसपास और उसके पहले भी एक छोटा कट था थर्टी सिक्स के आसपास फिर ये इन्वेस्टमेंट लाइन है ये यहाँ पर फोर्टी थ्री के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा फोर्टी नाइन या फिफ्टी के आसपास फिर एक छोटा सा कट फिफ्टी थ्री के आसपास था फिर ये जब ये इस तरह की लाइन काटती है ये भी पेन देती है और ये पेन आया होगा इनके वर्तमान में ही चल रहा है फिफ्टी सेवन के आसपास से ये पेन है प्लस ये राह रेखा डबल वार पर ये सीधी है तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं देती पर कट कट होता है ब्लॉकेज आता है ये जीवन में उसके बाद लगभग सिक्सटी सिक्सटी वन से यह रेखा बहुत अच्छा बेनिफिट देगी बहुत ज्यादा अच्छा अब इनकी धन रेखा पर ही चले जाते हैं उसमें ज्यादा समझ में आ रहा है कितनी भी अच्छी आपकी धन रेखा हो अगर इस तरह से जीवन रेखा में डिस्टर्बेंस है तो आपको पेन आएगा और यहाँ पे अगर कोई जीवन रेखा होगी जो हमें दिख नहीं रही है तो व्यक्ति पेन नहीं उठाता पर जीवन रेखा ना हो तो पेन उठाता ही है इनकी धन रेखा यहाँ से अच्छी बनी ये लगभग पीरियड होगा फोर्टी टू फोर्टी थ्री के आसपास से और ये उत्तम चली और ये लगभग व्यवसाय इन्होंने 55, 56 पर ड्रॉप कर दिया होगा फिर ये एक और कमाई का साधन था ये इस कमाई के साधन में भी इनका अच्छा समय गया होगा ये लगभग फोर्टी सेवन से लेकर फिफ्टी फाइव तक काफ़ी उत्तम समय गया होगा फिर ये एक और लाइन है ये इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये जब से है ये अच्छी है और उसके बाद भी ये अच्छी रह रही है फिर ये जो लाइन आएगी जो मैंने पीरियड बताया सिक्सटी सिक्सटी वन के आसपास ये इनको ग्रोथ काफ़ी उत्तम देगी पर उसके पहले इतनी है। ये स्टार्ट कर देंगे कोई ना कोई कमाई का साधन या ये कंटिन्यू वाला होगा दो में से कोई है पर यहाँ से इनको ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी इतने पीरियड में तो कोई ग्रोथ इस लाइन पर दिख नहीं रही है हाँ ये लाइन बरकरार है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिर ये लाइन यहाँ से इतना समय अच्छी नहीं चल रही है और ये पीरियड होगा लगभग सिक्सटी वन के बाद ये इतना ग्रोथ नहीं देगी जो आपने फोटी फिफ्टी के आसपास कुछ चालू किया होगा ये सिक्सटी वन से आपको ग्रोथ नहीं देगी आपका ध्यान इधर चला जाएगा ये चार पाँच साल कम ग्रोथ है और उसके बाद भी इतनी कोई दमदार नहीं है इनकम होगी पर ग्रोथ इतनी नहीं मिलेगी ग्रोथ इस लाइन से ये लाइन और ये लाइन से अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी आपको तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद